जय हिंद सर। जय हिंद दोस्त, क्या हाल चाल है? बढ़िया सर। और बढ़िया सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था आपसे। मैं ये बोल रहा था सर कि जैसे मेरे को मॉडिफिकेशन कराना है बाइक में, रैपिंग करानी है, कलर चेंजिंग की, जैसे इसको पूरा ब्लैक कराना है, तो इसके लिए कुछ अटॉर्सी वगैरह भी है क्या? कलर वगैरह के लिए? देखिए मॉडिफिकेशन के लिए तो चलिए आज इसके बारे में बता ही देते हैं। नमस्कार नमस्कार एंजेन मेरे साथियों। तो आपने पूछा मॉडिफिकेशन से, और मैं काफी दिनों से इस पर वीडियो बनाना ही चाहता था। अच्छा, तो मॉडिफिकेशन जैसे देखो कलर का मॉडिफिकेशन हुआ, अब कलर मॉडिफिकेशन में हमें क्या क्या कर सकते हैं हम? जैसे आपका मान लीजिए रेड कलर के पल्सर है ये, तो रेड कलर का ब्लैक करना है आपको, तो आप कर सकते हैं। लेकिन इस पे RTO जो अपना रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है उसको, उससे अपन को परमिशन लेनी पड़ती है। क्यों लेनी पड़ती परमिशन? What is the reason behind it? ये वजह है कि आपके RC बुक में लिखा हुआ है कि रेड कलर की पल्सर। अच्छा, तो अगर कोई घटना वारदात होती है, कुछ भी होती है, वहां पर आपकी रेड कलर की पल्सर तो नहीं दिखेगी। नहीं, तो वहां पर ये हो जाएगा कि भाई इन्होंने तो इस पे छेड़छाड़ी की है। हाँ, तो ये गलत है ये। हाँ, तो क्या आपने अनुमति ली है RTO से? तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अगर आपको अपनी गाड़ी में बाइक का कलर चेंज करना है या रंग से संबंधित कोई भी आपको बदलाव करना है, तो आपको उसके लिए जो आपका रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस है या DTO जिसके कह सकते हैं डिस्ट्रिक्ट ट्रांसपोर्ट ऑफिस, इनसे आपको परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी। और इनके बिना अनुमति के आप इस पे चेंजेस नहीं ला सकते हैं। और सर मेरा एक क्वेश्चन ये भी था कि अपनी बाइक में कौन कौन से मॉडिफिकेशन इलीगल है और कौन कौन से मॉडिफिकेशन लीगल है। चलिए बिल्कुल यही बात करना ही है आज, यही चर्चा है दोस्तों। पूरे वीडियो पे बने रहिएगा, लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा, क्योंकि वीडियो में मैं सब कुछ बताने वाला हूँ। तो सबसे पहली बात अगर करें हम एक बाइक पे, तो मैंने कलर का बता दिया आपको, कलर मॉडिफिकेशन भी हो सकता है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने इस पे कुछ केसेस में ये बताया है, आदेश भी दिया है, हमें निर्देश दिया है कि किया जा सकता है, लेकिन आपको इसके लिए RTO की अनुमति लेना जरूरी है। दूसरी बात समझ लीजिए, अगर आपकी गाड़ी पे इंजन है, बहुत मजबूत चीज है, बिना इंजन की गाड़ी नहीं चल सकती है, और इंजन बैठ जाए, अगर किसी वजह से इंजन खराब हो जाए, तो आप इंजन भी तो चेंज करते हो ना, तो आपके रजिस्ट्रेशन, हाँ इंजन भी चेंज होता है, करना ही पड़ेगा। मान लीजिए करना पड़े, इंजन बैठ जाए, तो इंजन जब आप चेंज करते हैं तो उसकी जानकारी देना हमको RTO को बहुत ज्यादा जरूरी है। क्योंकि आपने देखा होगा आपके RC बुक पे, रजिस्ट्रेशन कार्ड पे आपके इंजन नंबर, चेचिस नंबर रहता है ना जी सर, तो इंजन चेंज कर रहे हो ना आप। हाँ सर, तो उसकी जानकारी देना बहुत जरूरी है। Okay, कभी गाड़ी चोरी वगैरह हो गई या कोई घटना दुर्घटना हो गई, तो ये आपकी पहचान। तो सीधा सी बात यह है कि जो आपकी गाड़ी की मूल पहचान ना खो दे, जिससे आपकी गाड़ी की मूल पहचान ना खो जाए, वो मॉडिफिकेशन अलाउ नहीं है। अच्छा, वो मॉडिफिकेशन अलाउड नहीं है। और सर मैं ये बोल रहा था कि जैसे लाइट का मॉडिफिकेशन अगर मुझे करना है, तो क्या मैं हेडलाइट को चेंज करा सकता हूँ? चेंज करा सकते हैं, लेकिन अब ये समझ लीजिए कि जैसे जो कंपनी लाइट होती है, okay, कंपनी की लाइट जो आजकल LED चल रही है, वो उस प्रकाश की, उस रोशनी के आधार पर चल सकती है। बहुत ज्यादा फोकस मारने वाला रेड कलर से, कुछ लोग रिंग करके, कुछ लोग येलो करके, तो जो ये कुछ भी अपन को नहीं करना है। जो सामान्यतः गाड़ियों में होती है हेडलाइट, उस टाइप के आप हेडलाइट लगवा सकते हैं। लेग गार्ड जैसे आपकी गाड़ी में नहीं लगा हुआ है, तो आप लेग गार्ड भी लगवा सकते हैं इस पे, ठीक है। मॉडिफिकेशन के नाम पर अगर हम बात करें और बात करें, तो जैसे इंजन का मैंने बताया, सूचना देना जरूरी है। इंजन आप बदल सकते हैं, इंजन बदल दीजिए आप अगर समस्या है इंजन में, लेकिन आपको उसकी सूचना देना जरूरी है, ठीक है। रही बात इससे संबंधित, आजकल मैं ये देख रहा हूँ कि जो नई गाड़ियां हैं उनमें 1000 लाइट आ रहा है, पार्किंग लाइट, समझते हो आप, लेकिन पुरानी गाड़ियों में वो सिस्टम था नहीं, तो कुछ लोग जो है तो जुगाड़ करके मॉडिफाइड किए हैं उसको भी, सब मेरे में है। हाँ, तो अगर वो भी किए हैं आप, तो वो भी जो है नाजायज नहीं है, वो भी गलत नहीं माना जाएगा। Okay, वो भी, लेकिन उसकी जानकारी हमको देते रहना। हम गाड़ी पे जो भी स्ट्रक्चर पे, अब मूल स्ट्रक्चर है कि पल्सर की गाड़ी है, अब आप इसको जो है तो पल्सर का हटा के हीरो की गाड़ी बना दो, हीरो होंडा या मान के काफी लोग करते, या अपाची बना दो आप इसको, तो वो मूल पहचान जहाँ खो जाएगी आपकी गाड़ी की, वो मॉडिफिकेशन में आपको बहुत बड़ा चालान होगा। मॉडिफिकेशन में चालान जब कटेगा, तो तरीके का चालान कटेगा।
फिर माननीय न्यायालय ही आपको सजा देंगे उसमें, है ना। तो ये मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों कि आप कलर मॉडिफिकेशन कर सकते हैं, इंजन वगैरह है उस पर भी बदलाव है, ये ऊपर का वाइजर वगैरह ये आप लगा सकते हो, इस पर कोई बहुत ज्यादा दिक्कत नहीं रहती है, ठीक है। वाइजर तो सेफ्टी के लिए लगा, हाँ वो सेफ्टी की लगा सकते हैं, लेग गार्ड लगा सकते हैं आप, पीछे की लाइट्स है, लाइट्स पे आप बता रहा हूँ कि वो लाइट जो मतलब ज्यादा परेशान न करे हमें किसी को। आप सीधा से मैंने इसमें रेड कलर के पीछे लाइट लगाई हुई है। हाँ हाँ मैंने इसलिए सेफ्टी के लिए लगाई हुई है क्या, क्योंकि मेरे पीछे की जो बैक लाइट है कभी कभी बंद हो जाती है। हाँ हाँ तो इसलिए मैंने रेड कलर की लाइट इसलिए लगाई है कि तो पीछे वाला जो बंदा आ रहा ठीक, है ठीक, ठीक। उसको रेड लाइट दिखे, विजिबल रहे, दिखाई दे, ठीक है वो भी चलेगा। और ये पट्टी जो लगी हुई है ये रेडियम है ना, रेडियम रेडियम की पट्टी है, तो ये भी बहुत जरूरी रहता है। तो ये सारी चीजें हैं दोस्तों, तो आपको मॉडिफिकेशन से रिलेटेड अभी मैं ये ट्रेलर है और पूरी जानकारी, जो भी आपके क्वेश्चन हो प्लीज पूछिएगा। जितने भी लोग वीडियो देख रहे हैं कमेंट सेक्शन में आप लोग अपने कमेंट्स कीजिएगा, जो भी आपके डाउट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो एक मॉडिफिकेशन का और बनाऊंगा, ये ट्रेलर था, वो पूरी फिल्म रहेगी, उस पर एक एक पार्ट्स का मैं बताऊंगा और क्या मॉडिफिकेशन लीगल है और किस पे जुर्माना और कितना जुर्माना है और वो क्या धारा है जिसपे जुर्माना हो सकता है, सारी बातों को करूंगा मैं। फिलहाल के लिए इतना है, ठीक है दोस्तों, जय हिंद।